हिंदू लोग मुसलमान को। 19 जनवरी 1990 आधी रात को अचानक से पूरे कश्मीर की लाइट चली जाती है केवल मस्जिदों को छोड़कर। तभी उन मस्जिदों से ऐलान होता है कि ये कश्मीर हम मुसलमानों का है और मुसलमानों की इस धरती से इन कश्मीरी पंडितों का नामो निशान गायब कर दो। ठीक 2 दिन बाद पूरे कश्मीर से केवल 2 आवाजें आती हैं, गोलियों की, दूसरा बच्ची और औरतों की चीखों की। मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने आसिफा की कहानी सुनी थी। मुझे नींद नहीं आई, मैं पूरी रात ये सोचता रहा कि अपने इस गुस्से को अपने शब्दों में कैसे उतारूं। सुबह लोग सोकर नहीं उठे थे और 5 बजे सड़क पर मैं उस बच्चे के इंसाफ की वीडियो बना रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि पूरे कश्मीर में उन लाखों हिंदू कश्मीरी पंडितों की जो चीखें थी वो इस सेकुलर भारत को क्यों नहीं सुनाई थी। जिस तरह बाबरी मस्जिद को गिराया गया करोड़ों हिंदू की तरह, मुझे भी वो तरीका सही नहीं लगा। लेकिन जब कश्मीर में हजारों मंदिरों को तोड़कर उनकी दीवारों पे ये लिख दिया गया कि यहाँ एक बार पेशाब जरूर करें हजारों मंदिरों पर सेकुलर भारत में, सेकुलर सरकार के सामने किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सरकारें नाम बदल रही थी और हम सरकार को गाली दे रहे थे। जब ताजमहल की बात हुई तो समझ नहीं आया क्या चाहते, लेकिन भाई साहब यकीन करना भारी हो गया जब देश के 2500 गांवों का नाम बदलकर उन्हें एक इस्लामिक नाम दिया गया। उस ताजमहल के लिए लड़ रहा था जिसे बनाने के बाद कटने वाले 20,000 हाथ हिंदुओं के थे, उस औरंगजेब ने जिसे हिंदुओं और सिखों के खून के नदी बहा दी। किसी को क्यों फर्क नहीं पड़ा जब आजाद भारत की रोडों का नाम एक ऐसे इंसान के नाम पर रखा गया। भगवान कसम ये आज नागरिकता कानून आया तो पता चला ये भारत सेकुलर देश है। मैं भूल गया था कि बंटवारे के टाइम 1947 में तो संविधान था ही नहीं। ये हिंदू ही भाई थे जिन्होंने कहा था कि मुसलमान भी हमारे भाई है, जो इस देश में रहना चाहता है वो रह सकता है। आज उसी हिंदू से ये पूछा जा रहा है, भाई साहब ये हिंदुस्तान के तेरे बाप का है? पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद बंटवारा, उसके बाद इन राजनीतिक पार्टियों की 70 साल की नीतियों ने इस देश के हिंदुओं के चुत्तड़ मारने के अलावा और कुछ नहीं करा। और अब मुझे कोई ये समझाएगा कि इस CAA और NRC में किसी भी हिंदू का क्या लेना देना है? सबसे पहले तो बहन का टोपा, ये नागरिकता कानून है क्या? मुसलमानों को छोड़कर बंटवारे के समय पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बाद में बांग्लादेश में भारत का जो भी नागरिक रह गया था बाद में प्रताड़ित हुए, जान बचाकर भारत वापस आ गए। आज 70 साल बाद उसे भारत की नागरिकता दी जा रही है। चूंकि इन 3 देशों में भारत के मुसलमान नहीं रहते, इसलिए इस कानून से मुसलमानों को बाहर रखा गया। लेकिन सवाल ये है कि सरकार CAA कानून ला क्यों रही है? वेस्ट की दुनिया मुसलमानों को एक रेडिकल इस्लाम और आतंकवाद की नजर से देखती है, लेकिन केवल एक भारत का ही मुसलमान ऐसा है जिसे सख्त क्या कोई उंगली नहीं उठा सकता। भारत का मुसलमान पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक मिसाल है। लेकिन 26/11 का हमला हुआ और सारी कहानी बदल गई। 26/11 के हमले में लेकिन भारत का नहीं, पुलवामा के हमले में था लेकिन भारत का नहीं, उरी और पठानकोट के हमले में मुसलमान था लेकिन भारत का नहीं। ऐसे बहुत से दंगे थे जिसमें हिंदू का नाम था लेकिन वो हिंदुस्तानी नहीं था। फिर कौन है ये लोग जो भारत में रहकर यहाँ के मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं? कौन है ये लोग जो हिंदू नाम रखकर हिंदुस्तानी न होकर फिर भी यहाँ दंगे मचा रहे हैं? ऐसे ही लोगों के लिए ये सरकार NRC ला रही है। जो भी भारत का नागरिक है, खास करके मुसलमान भाई, जिसे इन जिन्ना और नेहरू की औलादों ने डराया हुआ है, आपको किसी को भी NRC से डरने की जरूरत नहीं है। इन कांग्रेसी और ओवैसी जैसे लोगों ने एक बात कह दी कि सरकार आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगी जो आपके पास नहीं है और ये आपको देश से बाहर निकाल देंगे। इतना सुनते ही आप लोग सड़कों पर उतर आए। देश के एक भी मुसलमान, लिबरल, सेकुलर ने इस विपक्ष से ये नहीं पूछा कि ऐसा वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो हिंदुओं के पास है, आप मुसलमानों के नहीं है, क्योंकि तो हिंदुओं पर भी लागू होगा। 70 साल तक इस सरकार ने गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया, 70 साल तक अपने आप को एक मुसलमानों की सरकार बताई, और आज 70 साल बाद यही सरकार मुसलमानों कह रही है कि आप पे एक ऐसा दस्तावेज नहीं है जो आप अपनी नागरिकता साबित कर दो। ऐसे पाखंडी घुसपैठी सरकारों पर आप सड़क पर आ रहे हैं। मुझे पता है ये गुस्सा बहुत सारी चीजों का है। गरीब को घर, घर में बिजली, चूल्हे की जगह सिलेंडर, सभी को बैंक खाते, गांव में सुविधा, व्यापारियों को GST, किसानों को सब्सिडी और देश को सही मायने में कश्मीर। मुझे पता है ये गुस्सा किन चीजों का है। सबसे पहले तो CAA इस देश के किसी भी मुसलमान की नागरिकता नहीं छीनता। दूसरा, हर देश का अपना एक रजिस्टर होता है जिसमें उस देश के नागरिकों के नाम होते हैं। उस रजिस्टर को देश का NRC रजिस्टर बोलते हैं। NRC केवल मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि देश के हर एक नागरिक के लिए। तीसरा,
की सरकार ने इस देश में एनआरसी लागू नहीं किया, कौन से दस्तावेज लिए जाएंगे, कितने साल पुराने होंगे, लाइन लगेगी या नहीं लगेगी, कितना खर्च आएगा, अभी तो सरकार ने इन सब चीजों का जिक्र ही नहीं करा। जो चीज अभी आई नहीं, लागू नहीं हुई, दिशा निर्देश नहीं मिले, उस चीज के लिए पिछले 10 दिन से इस पूरे देश में हंगामा हो रहा है। और वजह, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, मुसलमान को बाहर निकाल रहे हैं। निकलेगा, भारत में आया हुआ हर एक घुसपैठी निकलेगा। अगर कोई भारतीय लाइन में लगा तो वो इसलिए नहीं कि वो नागरिकता साबित करेगा, बल्कि हमारे बीच चलते फिरते ये भारी आतंकवाद को बाहर निकालने के लिए लाइन में लगेगा। और लाइन में लगने का डर उसे होता है जो तारों के नीचे से आते हैं। मैं वो हिंदू हूँ जिसकी माँ संकी आवाज पर उठती और अजान पर घर में रोशनी करती है। मैं वही हिंदू हूँ जिसे आप पूछ रहे थे कि हिंदुस्तान क्या तेरे बाप का है। दिस इज आलोक कुमार फ्रॉम टॉक्स, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।